हाय गाइस, दिस इज़ विनीत राघव। एंड यार, आप सब लोग जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में एप्पल ने अपना जो iOS 18 का स्टेबल वर्जन था वो अपने फ़ोन्स के अंदर रोल आउट कर दिया है। अब आपको हर एक फ़ोन्स के अंदर इसका जो स्टेबल वर्जन है iOS 18 का वो देखने के लिए मिल जाएगा। एंड iOS 18 के ऊपर मैंने एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो मैं रेडी कर रहा हूँ, जो कि आपको अभी आने वाले एक या दो दिन के अंदर मिल जाएगी, जिसमें आपको iOS 18 के जितने भी नए नए फीचर्स उन्होंने रोल आउट किए हैं उनके बारे में आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। चाहे वो वीडियो एक घंटे की क्यों ना बन जाए, हम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट आज इस वीडियो में ना सबसे ज़्यादा जो लोगों का मेन टॉपिक था वो ये था कि वो अपने ऐप्स को हाइड नहीं कर पाते हैं एंड साथ ही साथ वो अपने ऐप्स को लॉक नहीं कर पाते थे। तो गाइज, बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल देने वाला हूँ कि iOS 18 के स्टेबल वर्जन के अंदर आप अपने ऐप्स को किस तरीके से हाइड कर सकते हैं एंड किस तरीके से उनको लॉक कर सकते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में बने रहिए एंड साथ ही साथ आप इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक, जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा कि मैंने क्या चीज़ किस तरीके से परफॉर्म की। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड गाइज यार, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज इस वीडियो को कर दिए सब्सक्राइब एंड साथ में बता देना बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरे फ्यूचर अपलोड्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यार, आपको मेरी फोन की स्क्रीन अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। तो पहले ना मैं एक बार आपको सेटिंग में चल के दिखा देता हूँ कि मेरा सेटिंग में कौन सा वर्जन अभी मेरे आईफोन के अंदर चल रहा है। तो हम यहाँ पे जाते हैं जनरल के अंदर एंड जनरल में जाने के बाद हम यहाँ पे जाते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर। तो iOS 18.0, तो ये मैंने अपना स्टेबल वर्जन अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लिया है। एंड क्योंकि मैंने पहले भी एक और वीडियो बनाई थी हाउ टू हाइड ऐप्स इन iOS 18, तो मैंने उस वीडियो के अंदर जो चीज़ ये परफॉर्म करी थी वो था बीटा वर्जन, iOS 18 का बीटा वर्जन के अंदर मैंने चीज़ आपको पहले करके दिखा रखी है। बट अब जब स्टेबल वर्जन आ गया तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने नई नई ऐड कर दी हैं, तो मैं आपको उनके बारे में भी बता देता हूँ कि स्टेबल वर्जन के अंदर आपको किस तरीके से चीज़ कैसे परफॉर्म करनी है। तो आपके सामने सिंपली आपको अपने होम स्क्रीन पर आ जाना। जब पहले तो आपको अपडेट कर लेना है, अगर आपके फ़ोन के अंदर iOS 17 है तो आपको iOS 17 से iOS 18 के ऊपर अपडेट कर लेना है, जो कि आपका स्टेबल वर्जन होगा। एंड साथ ही साथ आपको करना क्या है, आपको अपनी सिर्फ होम स्क्रीन पर आ जाना है, कुछ ज़्यादा काम करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल स्टेप्स के अंदर आपको मैं समझाने वाला हूँ। आपको अपनी होम स्क्रीन पर आने के बाद ना, आपको सपोज़ कोई भी आपका ऐप है, जैसे मान लो सपोज़ यहाँ पे मेरा फ्लिपकार्ट है, अब मैं फ्लिपकार्ट को ना हाइड करना चाहता हूँ। तो गाइज यहाँ पे ना आपको हाइड और जो फेस आईडी है वो आपको एक साथ काम करती है। इसमें मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से। जैसे सपोज मैंने फ्लिपकार्ट के ऊपर होल्ड करके रखा, आपको पहले तो किसी भी ऐप के ऊपर होल्ड करके रखना है, मुश्किल से 2 सेकंड का होल्ड होगा वो बस खाली। होल्ड करने के बाद ना आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आएगा रिक्वायर फेस आईडी, जो कि आपको पहले iOS 17 के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता था। तो यहाँ पे रिक्वायर फेस आईडी पे आपको क्लिक करना है। अब देखो रिक्वायर फेस आईडी में ना आपके दो ऑप्शन आते हैं, ठीक है। दो ऑप्शन क्या आएंगे, पहला आएगा आपका रिक्वायर फेस आईडी एंड दूसरा आएगा आपका हाइड एंड रिक्वायर फेस आईडी। तो ये दो ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको पहला अगर ऑप्शन आप चूज़ करते हैं तो गाइज आपका क्या होगा, जब भी आपने ऐप को ओपन या क्लोज करेंगे तो गाइज आपकी ये फेस आईडी को रिक्वायर करेगा एंड फेस आईडी को मांगने के बाद ही आपका जो ऐप होगा वो ओपन होगा। एंड जो दूसरा ऑप्शन है वो है आपका हाइड एंड रिक्वायर फेस आईडी। हाइड एंड रिक्वायर फेस आईडी से क्या होगा, आपका जो ऐप होगा वो हाइड भी हो जाएगा एंड आपकी जो परमिशन मांगेगा फेस आईडी की इसको ओपन करने से पहले। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हाइड एंड रिक्वायर फेस आईडी इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे लिखा रहा है हाइड फ्लिपकार्ट, दिस ऐप विल नो लॉन्गर बी विजिबल ऑन योर फोन एक्सेप्ट इन अ फ्यू प्लेसेस सच एज सेटिंग, फेस आईडी और योर पासवर्ड विल रिक्वायर्ड टू रिवील एंड ओपन और यूज सीरी विद द ऐप, ऑब्स्क्योर्ड ऐप अपीयरेंस, नो नोटिफिकेशन कॉल और अलर्ट। तो गाइज एक बार मैं आपको बता दूं, अगर आपने कुछ एप्लीकेशन को हाइड कर रखा है तो गाइज उनकी तरफ से आपको कोई भी अलर्ट मैसेज या फिर कोई भी नोटिफिकेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो मैं आपको ये चीज़ पहले क्लियर कर रहा हूँ। एंड साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने हाइड ऐप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आप सोचेंगे कि भाई हाइड हो गया ऐप आपका, अब ये हाइड होके कहाँ गया, तो गाइज मैं आपको बता दूँ ये हाइड होके गया आपका सीधा, आप यहाँ से जाएंगे अपनी ऐप लाइब्रेरी के अंदर। ऐप लाइब्रेरी में ना आपको एक सबसे नीचे टॉप बिल्कुल बॉटम में, आपको यहाँ पे बिल्कुल नीचे बॉटम के अंदर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने मिलेगा हिडन करके। तो गाइज जैसे आप हिडन वाले उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो हिडन वाला जो फोल्डर है वो आपका ओपन हो जाएगा एंड यहाँ से आप अपने सिंपली फ्लिपकार्ट को यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। तो अगर आपको इसको बाहर निकालना है तो गाइज बाहर निकालने का भी सेम प्रोसेस है, आपको यहाँ पे अपने फ्लिपकार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको लिखा आएगा डोंट रिक्वायर फेस आईडी। तो यहाँ पे डोंट रिक्वायर फेस आईडी पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो गाइज ये आपका वही सेम एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे अगर मान लो सपोज मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फ्लिपकार्ट, तो गाइज मैं आप यहाँ से इसको डायरेक्टली ओपन कर सकता हूँ, तो आपका ये होम स्क्रीन के अंदर ऐड हो जाएगा वापस से। तो गाइज बहुत ही सिंपल स्टेप है। तो जो मतलब दोनों चीज़ करने के लिए, आपको हाइड करना है तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है, अगर आपको हाइड नहीं करना तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। तो आप दोनों तरीके से अपने ऐप्स को हाइड कर सकते हैं। तो गाइज बहुत ही सिंपल सी मैंने स्टेप्स के अंदर आपको समझा दिया कि किस तरीके से आप अपने iOS 18 के स्टेबल वर्जन के अंदर ऐप्स को हाइड एंड लॉक कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो गाइज इस वीडियो को कर देना लाइक, और मैं आपके लिए ऐसे ट्यूटोरियल्स लेके आता रहता हूँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आप ऐसे ट्यूटोरियल मिस ना करो एंड साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे कि आपको मेरे फ्यूचर अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।